आज का विषय है नेकेड मोल रैट। नेकेड मोल रैट पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, जिनमें कई खूबियां होती हैं। खूबी नंबर ए, नेकेड मोल रैट को कैंसर नहीं होता। खूबी नंबर दो, आम जीव जंतुओं के मुकाबले इन पर उम्र का असर कम होता है। खूबी नंबर तीन, ये 20 मिनट तक बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। और खूबी नंबर चार, इनमें दर्द सहने की क्षमता बाकी के जीव जंतुओं से ज़्यादा होती है। लेकिन इनमें एक बुराई भी है, ये आपस में एक दूसरे के बच्चों को किडनैप करके गुलाम बना लेते हैं। ये चूहे इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में बहुतायत देखे जाते हैं। इनका कद 10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन रहते ये बड़ी बड़ी कॉलोनियों में हैं। इनका ग्रुप 300 चूहों तक का भी होता है। इन चूहों की रानी को ही प्रजनन का अधिकार होता है और उसे पाने के लिए चूहों में खूनी जंग होती है। एक रानी एक बार में 30 बच्चे को जन्म दे सकती हैं और उस बच्चे की देखभाल बाकी की चूहियाँ करती हैं। इसकी स्किन आम चूहों की तरह नहीं होती है। इसे देखने पे ऐसा लगता है जैसे इसकी स्किन किसी ने निकाल ली हो और ये किसी बुजुर्ग जैसा दिखता है। दरअसल इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ये था नन्हा सा नेकेड मोल रैट।